हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट कबीर। जी हां जनाब, आईपीएल 2020 सनराइजर हैदराबाद वर्सेस केकेआर। केकेआर ने हैदराबाद को 7 विकेट से रौंद दिया है जनाब। आईपीएल संस्करण 13 के आठवें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही केकेआर ने टूर्नामेंट में अपनी जीत का खाता खोल लिया है। कोलकाता की तरफ से ओपनर सुमन गिल ने नाबाद रहते हुए 70 रनों की लाजवाब अर्धशतकीय पारी भी खेली है। इससे पहले हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 142 रन का स्कोर बनाया था, जिसके जवाब में केकेआर ने 18 ओवर में 145 रन का स्कोर बनाकर जीत हासिल कर ली। कोलकाता नाइट राइडर्स के सलामी बल्लेबाज सुमन गिल ने इस मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ अपने बल्ले से कमाल दिखाते हुए 62 गेंदों में नाबाद 70 रनों की बेहद शानदार पारी खेली। इस दौरान 5 चौके और 2 छक्के भी उन्होंने जड़े। सुमन गिल अपने को उम्दा खेल के लिए उनको मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। साथ ही आपको बता दें, कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर हैदराबाद को 7 विकेट से पटखनी देकर आईपीएल 2020 में अपनी पहली जीत दर्ज की है। तो वहीं हैदराबाद की इस सीजन में यह लगातार दूसरी हार भी है जनाब। केकेआर के सलामी बल्लेबाज सुमन गिल ने शानदार खेल दिखाते हुए 42 गेंदों में अपने आईपीएल के करियर का 5वां अर्धशतक भी पूरा किया। और सबसे बड़ी बात है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत लिया है आईपीएल का अपना पहला मैच। और अब देखने वाली बात ये होगी, जिस तरीके से सनराइजर लगातार दूसरा मैच हार चुकी है और आप सनराइजर के सामने है बहुत मुश्किल घड़ी, क्योंकि आप सनराइजर हैदराबाद को अपने कुछ मैच जीतने पड़ेंगे। तो आपकी क्या है भाई, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये था आज के मैच का पूरा रिव्यू। तो बताइए, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा जनाब। जय हिंद, जय भारत।